दुनिया भर में 96% स्टार्टअप्स और न्यू बिजनेसेस फेल हो जाते हैं उनके फर्स्ट ईयर में। ये डेटा पॉइंट आपने बार बार सुना होगा। जिन बिजनेसेस का फेल्योर रेट यदि है तो उसका कोई प्राइमरी कॉज होगा, वो सिर्फ गलत डिसीजन मेकिंग या गलत अपॉर्चुनिटी या गलत टाइमिंग या गलत टीम या गलत फाइनेंसिंग नहीं हो सकते। वो क्या हो सकते हैं? यदि आप प्राइमरी थॉट पे जाएंगे या फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है बिजनेस आपकी स्ट्रेंथ पे डिफाइन किया जाना चाहिए या डेवलप किया जाना चाहिए या डिजाइन किया जाना चाहिए। अक्सर एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस डिजाइन करते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी को देख या मार्केट ट्रेंड को देख के, और ये ही सबसे बड़ा फेल्यूर्स का रीजन बन जाता है। हमने एक पर्टिकुलर अप्रोच डेवलप की हुई है बिजनेसेस में, जिसके तहत हम ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझाते हैं या ये सिखाते हैं कि वो फाउंडर की स्ट्रेंथ पे या फाउंडर के पर्सनालिटी ट्रेट पे बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं तो कैसे कर सकते, उसका क्या आधार होता है, उसकी क्या अप्रोच होती है। वो यदि अगर एंटरप्रेन्योर समझ जाए तो बिजनेस के फेल्यूर्स इतने ज्यादा नहीं होंगे। अब यदि आपने थ्री इडियट्स देखी तो थ्री इडियट्स में वो बार बार रेंचो यही बोल रहा है कि सफलता के पीछे मत भागिए, अपनी एक्सीलेंस को डेवलप कीजिए, सफलता झक मार के पीछे आएगी। हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने सफलता के पीछे भागे और इस वजह से फेल्योर रेट इतना ज्यादा है। और ये मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ। मैं मध्य प्रदेश सरकार के साथ में पिछले 8 सालों से एक इंक्यूबेटर चला रहा हूँ, उसका नाम है सृजन। मध्य प्रदेश का पहला टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर है और हमारे यहाँ हम कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट सिस्टम नहीं चला रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सिर्फ उनके फंडामेंटल्स करेक्ट करते हैं। जहां दुनिया का फेल्योर रेट 96% है वहां हमारा सक्सेस रेट 80% है। 80% हमारी स्टार्टअप्स जो 2016 में 17 में 18 में 19 में बनी है वो आज भी चल रही है और सक्सेसफुली चल रही है। और हमने कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स के पीछे नहीं भागे, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस डेवलप नहीं करा, कुछ साइकोलॉजिकल फंडामेंटल्स पे उन स्टार्टअप्स को डेवलप करने में मदद करी और आज वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी स्टार्टअप्स हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस के वैल्यूएशन पे जा पाई हैं बिकॉज ऑफ दीज फ्यू थिंग्स। तो अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं वो कैसे किया जाता है, एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं कि जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हो रही है और उस रिसर्च के सब्जेक्ट के तौर पे ये स्टडी किया जा रहा है कि इंडिया के इंक्यूबेटर्स यदि स्टार्टअप्स को डेवलप करते हैं तो उनमें से कितने स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं। ये रिसर्च पिछले 4 साल से चल रही है और उसका हम एक पार्ट हैं। हमारे ऊपर रिसर्च किया जा रहा है जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी में एंड दीज गाइज आर अमेज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द सक्सेस रेट। हमारी सरकारों ने अभी तक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं किया जैसा जापान या यूएस या इसराइल की गवर्नमेंट्स ने डेवलप कर दिया। उसके बाद भी इंडियन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो रहे हैं बिकॉज उनके बिजनेसेस को उनकी स्ट्रेंथ पे डिफाइन किया गया है, मार्केट अपॉर्चुनिटी को देखकर नहीं। अब अगर आप ये सब समझना चाहते हैं कि ये कैसे किया जाता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इंदौर में हैं तो आप डायरेक्ट आके मिल सकते हैं, या अगर आप इंदौर में नहीं है तो बेस्ट आइडिया है आप बुकिंग कर लें नीचे दिए गए फॉर्म पे या लिंक पे क्लिक करके, और हम लोग एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जिसमें हम ऑनलाइन 1-to-1 आके और आपकी कंपनीज को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाया जाता है उस पर बात कर सकते। थैंक यू। आई बिलीव दिस इन्फॉर्मेशन वर्क्स फॉर यू। साइनिंग ऑफ विकास सिंह।